मुजफ्फरनगर में आज SSP विनीत जायसवाल ने चार्ज लेने के बाद कांवड़ यात्रा के लिए रूट भ्रमण का जायजा लिया और वहीं कांवड़ यात्रा की तैयारियों को देखा गया। जनपद के कई थानों का भी देर रात तक औचक निरीक्षण उनके द्वारा किया गया। SSP कार्यालय पहुंचकर ऑफिस में बैठने से पहले SSP कार्यालय में मौजूद सभी विभागों के कार्यों का भी औचक निरीक्षण किया गया। वहीं संबंधित विभाग के कार्यालयों में घूमकर अधीनस्थ अधिकारियों से जानकारी लेते हुए दिए आवश्यक निर्देश। SSP विनीत जायसवाल ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने की रहेगी और कोशिश रहेगी कि लंबित पड़े मुकदमों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर उनका निस्तारण जल्द कराया जाए, जिससे पीड़ितों को न्याय मिले और उनका कानून पर और पुलिस पर विश्वास जागृत हो और विश्वास बना रहे। इस दौरान SSP विनीत जायसवाल के साथ SP सिटी अर्पित विजयवर्गीय, SP ट्रैफिक कुलदीप कुमार मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर का चार्ज लिया है तो किस तरह की अब कार्यप्रणाली पुलिस की रहेगी मुजफ्फरनगर? देखिए, कल मेरे द्वारा SSP मुजफ्फरनगर का पदभार ग्रहण किया है और सभी पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों के से मीटिंग की गई है, समीक्षा बैठक की गई है। जो भी शासन की प्राथमिकताएं हैं कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए, उन सभी प्राथमिकताओं पे, उन सभी बिंदुओं पे काम करने के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त आगामी जो हमारी सबसे बड़ी चुनौती है वो कांवड़ की जो है तैयारियाँ हैं उसके लिए, ताकि बहुत अच्छे तरीके से सकुशलता से इसको संपन्न कराया जाए, सभी ज़रूरी तैयारियां की जा रही हैं। सभी स्तर पे लगातार समीक्षा बैठकें भी हो रही हैं, स्थलीय भ्रमण करके जो भी उसमें कुछ कमियां हैं अभी और उसको दूर कराया जा रहा है। सभी विभागों की भी एक गोष्ठी आज ही रखी गई है, जिसमें जो भी थोड़ी बहुत कमियाँ हमारे स्थलीय भ्रमण में निरीक्षण में आई हैं उनको भी दूर कराया जाएगा और सभी लोग इस चीज़ को लेकर सुनिश्चित करेंगे कि बिल्कुल निर्बाध तरीके से सकुशलता से इस यात्रा को संपन्न कराएं। सर, लगातार थानों को भ्रमण किया जा रहा है, जब से आपने चार्ज लिया है कांवड़ पटरी मार्ग देखा गया, तो किस तरह की खामियां नजर आई हैं सर? देखिए, छुटपुट चीज़ें हैं जो तैयारियां अभी हो रही हैं और अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, तो वो तैयारियां अच्छे गति से जो मेरे द्वारा देखा गया है बहुत संतोषजनक है और बड़े तेज तरीके से वो तैयारियां हो रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी अधिकारी बहुत यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और अच्छे से हम इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। सर, मुजफ्फरनगर में काफ़ी चुनौतियाँ होती हैं, तो समझ किस तरह से? अब देखिए, जैसे हमारा इस जनपद में आगमन हुआ है, कानून व्यवस्था को अच्छा करने के लिए जो भी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। बाकी जैसा फीडबैक आप लोगों से मिलेगा, जनता के माध्यम से मिलेगा, यदि कोई स्पेसिफिक समस्याएं होंगी इस जनपद की तो उस पर भी निश्चित तौर पर काम किया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।